ऐसे आज ही सबसे पहले तो 40-41 दिन का व्रत होता है। इकतालीस दिन दर क्या क्या है जी? एक तो धरती पर सोना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, एक समय का भोजन करना, वो भी दोपहर के बाद, तीन समय की पूजा करना, प्रातः की, दोपहर की, रात्रि की, और जितना टाइम हो इसके ऊपर डिपेंड दे सकते हैं हम, उतना होता है। ये होता है चौबीस घंटे उसकी आराधना करते रहें, हमें कुछ नहीं देगा, क्योंकि जिन्होंने हमारे आगे आकर के मूर्ति के आगे झुकना है वो आशीर्वाद मांगते हैं। अगर हमारे पास ही शक्ति नहीं होगी तो हम उसको क्या दे पाएंगे? हनुमान चालीसा कितने का होता है? 40 लाइनों का है। अच्छा, हनुमान चालीसा क्यों कहते हैं? ये चालीसा रखा जाता है। शिव चालीसा क्यों कहते हैं? चालीसा है। दो चालीसा क्यों है? 40 लाइनों का है। चालीसा जो भी है वो 40 लाइनों का है, किसी व्रत में 40 का है। अच्छा जी, 40 दिन का व्रत होता है ना जो अष्टमी को शुभ धारण होता है, अष्टमी को शुभ धारण होता है। इसकी भी एक आध्यात्मिक कथा है। देखिए, जब राम जी ने रावण के ऊपर लंका पर चढ़ाई की थी ना, समुद्र क्रॉस करने के लिए उनको रास्ता नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने भी वहाँ पर 8 दिन का व्रत रखा था, पूजा की थी शिवलिंग की, शक्ति की। अष्टमी को उनको माँ से वरदान मिला था राम जी को, भी समुंदर जो है आपका सूखेगा नहीं, तो समुंदर प्रकट हुआ। उन्होंने कहा जी आप मुझे क्यों मारते हो, मेरे अंदर जीव जंतु बहुत हैं, अगर मैं सूख गया तो मर जाएंगे,
वो पाप मुझ पर लगेगा। तो उन्होंने कहा हमारा रास्ता क्या है, हमने जो क्रॉस करना है, लंका जाना है। उन्होंने कहा ये आपके पास नल नील दो आपके पास बानर हैं, दो बानर हैं, उनको वरदान मिला हुआ है, वो जहाँ पत्थर फेंकेंगे ना वो पत्थर तर जाएगा, डूबेगा नहीं, शर्त ये है उस पर आपका नाम होना चाहिए। तो हनुमान जी लंका ने सारे वो अपना भेदी बानर सेना पत्थर लाते गए, हनुमान जी राम दिखते गए, राम जी भेजते गए, वो सेतु बन गया, राम सेतु के नाम से आज भी मशहूर है। तो लंका क्रॉस करके तो उन्होंने वो 8 दिन जो जहाँ ना आप जो पूजा की थी ना, अष्टमी के दिन उनको उसका शक्ति प्राप्त हुई थी, इसलिए अष्टमी को पहली मूर्ति निकलती है। शहर से पहले भी 4 दिन अष्टमी वाले दिन सारे शहर में नगर परिक्रमा करते थे बिना मूर्ति डाले। मुल्तानी मिट्टी लगा घड़ियाल लेकर के बाजारों में सड़क के ऊपर साष्टांग प्रणाम करते हुए सारे शहर में सारे लोग साथ होते हैं, इनके साथ 15-20 वर्कर होते हैं, और बाजारों में ये धरती माता को प्रणाम करते हैं कि हे माँ, मैंने बड़े पाप के जीवन में मैंने बड़े कष्ट देखे, मैं इस सेवा के लिए आ रहा हूँ, और मुझे जो है ना क्षमा करना, मेरे से जीवन में कोई पाप हो कोई कृपा करना, मैं आपके ऊपर पैर रख करके जाऊँगा बाजारों में। 4:30 बजे मूर्तियाँ धारण शुरू हो जाती है, लगभग 5:45 बजे मूर्ति बाहर आती है मंदिर से नमस्कार करने के बाद। फिर भ्रमण पर निकल जाती है। भ्रमण करके रात को वापसी आएगी, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, सुबह 5 बजे भी आई है मूर्ति पर। फिर रात विश्राम होगा, फिर उनको जल पान कराया जाएगा। ना लघु शंका कहीं कर सकता है वो, ना जलपान कर सकता है, ना बैठ सकता है। 11 घंटे हो जाए, 12 घंटे हो जाए, 3 घंटे हो जाए, 10 घंटे हो जाए, ज़्यादा हो जाते हैं, बैठ सकता नहीं, लघु शंका कर नहीं सकता, पानी पी नहीं सकता, कुछ ले नहीं सकता, खा नहीं सकता, चलते रहना है, भ्रमण पर रहना है, ये है इसकी साधना। प्राचीन रूप में तो ये 3:30 बजे तक मूर्ति तैयार होकर के 3 बजे निकल जाती है और रात को 8 बजे तक वापस लौट जाती है। पहले घरों में बुलाने की व्यवस्था नहीं होती थी, रात्रि में किसी ने कोई मन्नत देनी है किसी मंदिर में जाकर के हनुमान जी को मन्नत देना है, प्रसाद देना, प्रसाद ले आना। अब एक प्रचलन चल पड़ा है लंबे समय से कि हनुमान जी हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं तो वहाँ दर्शन दें, हमारे घर में आए, हमारे प्रतिष्ठान में है, बुलाने की परंपरा बन गई है, तो इसलिए वो लोग जाते हैं वहाँ पर, हनुमान जी को भेंट भी दे जाते हैं, घरों में भी बुला लेते हैं, उनका आरती पूजन करते हैं। रावण दहन का भी है, ग्राउंड के अंदर जाएंगे पहले त्रिप 3 परिक्रमा करेंगे रावण की, उस पर का विद्वान कोई नहीं,
राम जितना विद्वान कोई नहीं, परिक्रमा करेंगे फिर अपने भगवान इष्ट देव के चरण छुएंगे, उनसे आज्ञा मांगेंगे, फिर तीन बार मोला जो है रावण को मारेंगे, रावण को मेघनाथ तीन बार मारेंगे, फिर हमारा संकल्प पूरा होगा। उसका फिर संकल्प रहेगा भरत मेधा का। दशहरे के रोज हम मूर्ति धारण करके किसी घर के भ्रमण करने नहीं जाएंगे। सबसे पहले रावण हमारा एम होता है वृंदावन दहन करना। रावण दहन करने के बाद भ्रमण में निकलेंगे, किसी घर जाएंगे, पहले नहीं जाएंगे। चालीस पैंतालीस किलो वजन की मूर्ति कोई व्यक्ति अपने शीश के ऊपर धारण करेगा तो आप देख सकते हैं कि उसको चलने में या उसको संभालने में कितना ताकत चाहिए। मैं प्राय कहता हूँ कि ये पानीपत का दशहरा हिंदुस्तान के दशहरों से अलग दशहरा है। जो हनुमान जी के स्वरूप जिस तरीके के यहाँ हैं, जिस तरीके की मूक रामलीला यहाँ होती है, ये सारे देश में कहीं भी नहीं होती। जिस दिन हम पुतले जला लेते हैं उसके अगले दिन हम भरत मिलाप करते हैं, एक परंपरा है। सारी रामलीलाएं भरत मिलाप करने के बाद रात्रि को पर्दा डाउन कर देती है, उसके बाद रामलीला नहीं होती। भरत मिलाप राम जी का पूरा दरबार सजता है। नगर के सारे हनुमान जी भी रात को 12 बजे आरती उतारने के लिए हमारे पास आते हैं। अलग अलग जहाँ भी भरत मिलाप होता है, मॉडल में है, शहर में भी, हमारे पास भी यहाँ 30-35 हनुमान जी पहुँच जाते हैं। पहले शुरू में आते हैं, जाते हैं, प्रसाद लेकर चले गए, लेकिन आरती के समय इतने लोग आते हैं। विशेष ये है कि भरत मिलाप के दिन जब दरबार सजता है, गुरुदेव वशिष्ठ आज्ञा देते हैं कि भरत और श्री राम जी का पुनर्मिलन हो जाए। उनको पुनर्मिलन हो जाता है, राम जी वल्कल वस्त्र जो वनवास के वस्त्र हैं और भरत जी भी उन्हीं वस्त्रों में रहे उतार देते हैं, और राजसी वस्त्र
क्योंकि अब वो राजा के बेटे बन गए, आज राजपाठ का दिन शुरू हो गया, उन वस्त्रों में आ जाते हैं। वो आकर जब वहाँ पर बैठ जाते हैं उस समय राम जी का दरबार सज गया। अब राम जी उपहार देते हैं, खुले दिल से खुशियाँ प्रदान कर रहे हैं लोगों को। बहुत सारे लोग आते हैं कि जो हमारा मकान नहीं बना हुआ, भगवान कृपा करो हमारा मकान बन जाए, इतना रोजगार आ जाए, चार पैसे होंगे तो कोई बनाएगा ना, मन्नत मांग लेते हैं, उसको मन्नत शब्द बोलता है। अष्टमी को मूर्ति निकलती है, अष्टमी को, नौमी को, दसवीं को विजयदशमी हो गई। एकादशी के दिन हमने भरत जाप किया, तत्पश्चात हम अपना बोझ उतारने के लिए कि हमारे पास बोझ है, कन्या ने, बुजुर्ग ने, ब्राह्मण ने, बड़े ने, छोटे ने, पहुँच होने हैं स्वरूप के, वो बोझ तो है ना उसके ऊपर, उस बोझ को कैसे उतारेगा वो। फिर वो गंगा स्नान पर चले जाते हैं। जब तक हम चार दिन अन्न नहीं खाते, अष्टमी नौवीं दसवीं एकादशी को एक टाइम भी अन्न नहीं खाते, चार दिन अन्न नहीं खाते, सिर्फ फल और दूध पर रहेंगे। भक्ति मिलाप करने के पश्चात, हरिद्वार धाम बिठाने के बाद, गंगा स्नान करने के बाद, ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद, फिर हम जल देंगे। असली विधान तो है ये, अब कोई कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, ये तो उनकी अपनी श्रद्धा है। आज की मूर्तियां तो बहुत अपनी मर्जी से बनवाते हैं हम, 20 किलो, 15 किलो, 10 किलो, जितने जिसकी उठाने की कैपेसिटी है। तो तब ऐसा नहीं होता था, तब हनुमान जी जो बनते थे बिल्कुल शांत स्वरूप, किसी प्रकार का कोई उनको प्रलोभन डिगा नहीं सकता था, किसी प्रकार की कोई भावनाएँ ऐसी नहीं होती थी कि हम ये बनेंगे, हम आगे शिष्य बनाएंगे, हम आगे और लोगों को, ऐसा नहीं होता रहा। इसके अंदर ऐसे है जी, जिसने मूर्ति रावण मार लिया ना एक बार, उसको भरत मिलाप जरूर करना पड़ेगा। दूसरा, अगर वो कहेगा मैंने रावण इसे मरा लूँ, वो भरत मिलाप मैं कर लूँ, तो पहले दो दिन मैं कर लूँ, वो विधि विधान नहीं कहता, विधान ये कहता है कि जिसने मूर्ति धारण की है रावण दहन वही करे। अब पहले दिन किसी ने मूर्ति धारण कर ली, दूसरे दिन किसी कर ली, तीसरे रावण दहन करने को जा रहा है। अब जिन्होंने पहले संकल्प किया हुआ है उनका तो रावण दहन हुआ ना। बदलते हुए समय के साथ, परिवर्तन का युग है, ऐसा होता है, समय स्वीकार भी करना पड़ता है, लेकिन हनुमान जी का स्वरूप केवल मात्र वही बच्चे बनने चाहिए जो कम से कम 21 दिन का व्रत धारण कर सकते हैं। व्रत भी पूरी तरह सात्विकता के साथ, जो 5-5, 7-7, 8-8 साल के बच्चे मूर्ति लेकर के बाजार में जाते, वो एक बाजारों में पैसा मांगने के लिए नहीं है, वो उससे हमारे धर्म की हानि होती है। बाकी जितने भी त्यौहार बनाते हैं, कई लोग बना देते हैं कि हनुमान जी का स्वरूप है, कोई भी मैं किसी भी धर्म का नाम नहीं लूँगा, लेकिन इस चीज़ को आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि हनुमान जी कोई, ये कोई हनुमान जी महाराज जी का रूप धारण करना कोई ये झांकी नहीं है, कोई आप इसको झांकी समझो या झांकी नहीं है, इसके लिए बड़े तप की जरूरत है, और बिना तप किए
इस मूर्ति को कोई भी व्यक्ति ना धारण करे, और जो धारण करता भी ना तप के, या वो जानता है या उसका राम जानता है कि क्या बीतती है। जो तप करके धारण करेगा उसका आनंद अलग होगा, और जो बिना तप किए धारण करेगा उसका आनंद अलग होगा। ये विशाल रूप हनुमान जी का सिर्फ दो ही बार होता है, जब युद्ध करने गए थे, तो आप दिवाली और दशहरे पे ये नियम करें, और वैसे कोई भी पूरा साल इसकी मर्यादा रखें और इनकी सिर्फ सेवा करें। धन्यवाद। सब में बीत गया जी, अब तो पता नहीं आगे क्या होगा, कुछ नहीं कह सकते। अब जितना जो बढ़ावा चल रहा है ना, अब छोटा बच्चा उठता है, मैं हनुमान बनूंगा। पहले पेरेंट्स भी इनकार करते थे बड़ों को मूर्ति धारण करने के लिए, कोई आगे नहीं देते थे। आज हम बनते हैं जी। पक्ष दूसरा भी है भाई साहब इसमें। मैंने कभी काशी के मंदिर में कोई मीटिंग थी हमारी, मैंने उसी यही बात कही, हज़ार हज़ार बारह बारह सौ हनुमान बन जाते, रोको इनको। ये है, मैंने कहा पक्ष दूसरा ये है कि इन दिनों ये हनुमान जी की ध्वजा लगा के रात को रोजाना हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, स्वरूप धारण करने से पहले भी शाम को हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जयकारे लगाते हैं, गलत खान पान नहीं है इनका, कहीं भी प्याज तक इस्तेमाल नहीं करते इन दिनों में, तो अपने जीवन को सात्विक बनाया ना 21 दिन के लिए, इधर उधर के झमेलों से हट करके अपने आप को उन्होंने प्रभु की लाइन में प्रभु के चरणों के साथ जोड़ने का प्रयास किया। से हम लोग अनडिवाइडेड पाकिस्तान से हैं, जो कि पहले पूरा भारत था, तो राजनीतिक समीकरणों के कारण हम लोगों को वहां से इधर आना पड़ा। हमारा क्षेत्र लैया नगर, जो वर्तमान में एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट बन गया, काफी फला फूला हुआ क्षेत्र है वो, वहां पर बहुत ही श्रद्धालु, भक्तिवान और प्रभु में विश्वास रखने वाले लोगों की ज़्यादातर मौजूदगी थी। पाकिस्तान में तो ऐसा था जी, दशहरे के जैसे यहाँ गुंगी राम लाल चलते नहीं है वाले, वहाँ भी गुंगी राम चलते थे। उस समय मुसलमानों के साथ झगड़े कर करके ना रात की रामलीला नहीं करने देते थे, वो सायंकाल रामलीला होती थी, शाम को 6-7 बजे तक समाप्त कर दो उसके अंदर। उसने हनुमान स्वरूप ये धारण कराया, भी हनुमान इस स्वरूप में जाओ। श्री हनुमान जी के प्रति भाव इस प्रकार से जगे कि तब जो मूक सायंकाल रामलीला, जिसको हम सायंकाल रामलीला लैया सभा के नाम यहाँ पर दिया हुआ है, ये सभा भी वहाँ प्राचीन काल से थी। वहाँ पर उन्होंने माइक वगैरह की व्यवस्था नहीं होती थी, शायद किसी दूसरे समुदाय की आपत्ति के कारण हो कि यहाँ जो कुछ होगा मौन होगा। जो एक्टर हैं उनको हम लोग एक्टर नहीं बुलाते, स्वरूप बुलाते हैं। हनुमान जी का स्वरूप तब जब वहाँ बना तो एक अजूबा था, केवल मात्र एक हनुमान जी बनते थे पाकिस्तान के अंदर, और जब विभाजन हुआ तो विभाजन के बाद वहाँ से सारे जो भक्त जब आए तो वो हनुमान जी की वो सुप्रसिद्ध मूर्ति जो सबसे पहले वहाँ चली उसको भी साथ लेकर के आए, वो मूर्ति आज भी सुरक्षित है। ऐसा है, ये जो आपने ऊपर मूर्ति देखी थी ना, वो 85 साल पुरानी है, और हमारे दादाजी वहाँ पाकिस्तान से, जब वहाँ पहले पाकिस्तान में रहते थे ना, हम भी वहीं थे, वो भी वहीं थे, मैं तो 4 साल का आया था वहाँ से, और जब ये बंटवारा हुआ ना 47 में, तो वो मूर्ति ले के इधर आ रहे थे गाड़ी में, 3 गाड़ियाँ आई थी वहाँ से,
तो गाड़ी में तो इतना राज था, जैसे छतों पे बैठे थे लोग, मारकाट भी हो रही थी मुसलमानों की, साथ में वो मारने को आ रहे थे। तो ये ऊपर वाली जो मूर्ति है वो पेटी में डाल के वो साथ ले के आ रहे थे, ले के जब आ रहे थे तो गाड़ी में जाके जब उसको चढ़ाई तो लोग मुसलमान भी आ गए तलवारें ले के, और दूसरी पब्लिक जो ऊपर छतों पर बैठी थी सारे लड़ने लग गए इनसे, हमारे दादा से। वही लोगों की तो बैठने की जगह नहीं है, छतों पर बैठे हैं और आप ये मूर्ति लेके जा रहे हो, इतनी बड़ी पेटी है। तो वो कहने लगा जी ये हनुमान जी की मूर्ति है, हम इसके पुजारी हैं और इसकी सेवा करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, इसलिए हम इसको साथ ले जा रहे हैं। ऐसे तो वो लोग कहने लगे भी मुसलमान तो इस बात को मानते नहीं थे, कम थे, जो हिंदू थे वो बैठे रहे। कहने लगे इसको उतारो नहीं तो हम मार देंगे तेरे को। तो उन्होंने जवाब दिया मेरे को मार दो या काट दो, ये आपकी मर्जी है, इस मूर्ति को मैं ज़रूर ले जाऊंगा। तो फिर मुसलमानों को पता नहीं रहम आ गया कुछ हो गया, रहन दो इनको बाबा है वो जाने दो। वो मूर्ति यहाँ पे ले आए थे। मूर्तियाँ बनाने वालों की भी अब चांदी है, तो वो भी नए नए उनके बच्चे अब नई खोज कर रहे हैं, मूर्तियों का स्वरूप थोड़ा सा बदल रहे हैं, लेकिन मूल स्वरूप वही है जैसा शुरू में पाकिस्तान से आया था। तो इससे बहुत सारे लोगों को अपनी कला को निखारने का भी एक अवसर मिला है। मूर्ति नहीं ज़्यादा नहीं बन सकती, मतलब थोड़ी ही बनती है, ज़्यादा 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 8-10 बस इससे ऊपर नहीं बनती। बाकी पुरानी आ जाती है उसकी रिपेयरिंग हो जाती है, रिपेयरिंग हो जाती है, नई का काम नहीं तो इतनी 2.5-3 महीने एक मूर्ति में लग जाते हैं, जिस ढंग से हम बनाते हैं। लोग तो 15 दिन में भी बना खड़ी कर देते हैं, वो टूट फूट जाती जल्दी। मजबूती नहीं है ना उसमें, मजबूती नहीं है, काम तो डंका हो। हमारी मूर्ति बनी हुई 40-40 साल से अब भी चल रही है, कई मूर्ति जो 40-45 साल पहले की बनी हुई है अब भी चल रही है। पानीपत में रहने वाले को तो बच्चे बच्चे को बताया कि हनुमान ही हनुमान है। पानीपत के बाद नंबर होशियारपुर का, और उसके बाद फिर छोटे छोटे कई, किसी में 15, किसी में 20, किसी में 30, ऐसे। अब पानीपत में तो बहुत है, मतलब लगभग होंगे इतने के 1,500-2,000 तो निकलते ही होंगे। आइडिया है, दूर दूर तो पक्का तो नहीं कह सकते, बनने वाले बहुत होगा, पुराने वाले अपने आप हो जाएंगे। कागज कपड़ा है, बांस का ढांचा हो गया। ये है, इसमें बांस यूज होती है, ठीक है, सरिया थोड़ा बहुत यूज होता है, कागज कपड़ा लई वगैरह बना के ऐसे तैयार करते हैं। हाथों से बनाते हैं, बिल्कुल हाथों से, कोई चीज बाहर से कुछ भी नहीं आता, सारा इसके जो चेहरे का सांचा है ये खुद सब कुछ सजावट का सामान आता है बस दिल्ली से, और कुछ नहीं होता, सब कुछ सारा खुद ही करते हैं हम, वो नहीं करते वो जैसा हम करते हैं। हम काम ले कर पाते हैं हम उतना ही लेते हैं, उसके बाद हम मना कर देते हैं कि हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है हमने जो काम करके देना है अगर वो हम पूरा नहीं कर पाएंगे, इसमें लेबर लग नहीं सकती, कोई डाई नहीं है जिसमें से निकाल के पीस उनको दे देंगे, सारा हैंडवर्क है, सारी मेहनत का काम है, इसलिए जितना पूरा हो पाता है हम उतना लेते हैं, क्योंकि ये काम है जिम्मेवारी वाला, जिस दिन जिसने स्वरूप उठाना है उठाना ही उठाना है, कोई ये तो है नहीं कपड़े की दुकान तो है नहीं जो अगले दिन जाकर सूट उठा आएगा, और सब ने डालनी दशहरे पे ही है, तो दशहरे पे चाहिए चाहिए उनको। अब ये भी जो 2-3 मूर्तियाँ रह गई हैं ये लेट ही हैं। हाँ
बच्चों से पूछते हैं ना बड़े होकर क्या बनोगे, मैं कोई कहता है डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर। पानीपत के बच्चों पूछते हैं, वो कहता मैं हनुमान बनूंगा। जब वहाँ हम रामायण खेलते थे हमारे पूर्वज, शायद किसी के मन में वही बात आई हो, जब हनुमान जी ने ये कहा कि मेरे जैसे वानर राम जी के मित्र बन गए, सेवा कर रहे हैं, और हम जल्दी राम जी जो हमें साथ लेकर के यहाँ आएंगे, रावण पर आक्रमण करेंगे और लंका में विजयी होकर के आपको इसकी बाधा से, इसकी जो इन्होंने आपको यहाँ पर कवर कर रखा है उससे मुक्ति दिला करके आपको ले जाएंगे। तो सीता जी ने तब ये कहा कि भाई ये छोटे छोटे वानर राम जी की सहायता करेंगे और इतना बड़ा विशाल साम्राज्य का लंकाधीश रावण विजयी होगा और मेरा जीवन मुक्त, यहाँ से मुक्त होकर के जाऊँगी, ऐसा तो असंभव लग रहा है। माँ को सिर्फ विश्वास दिलाने के लिए हनुमान जी ने विराट रूप दिखाया कि ये जो विराट रूप हनुमान जी का है, ये उस समय की मूर्ति है, उस समय का, जिस वक्त उन्हें भूख लगी, जिस वक्त माँ ने संदेह किया क्या छोटे वानर राम जी की सहायता करके युद्ध लड़ेंगे, तो उस वक्त उन्होंने अपना विराट रूप धारण करके जब जय श्री राम करके इतना बड़ा विकराल रूप दिखाया, तो दिल दहलाने के लिए मैं समझता हूँ कि माँ के हृदय में एक बात आ गई कि यदि ऐसा स्वरूप लंका वासियों के सामने गया तो समझ लो उनकी तो वैसे ही माँ मर जाएगी लड़े बगैर ही। हनुमान जी की मूर्ति के पीछे एक विशेष बात आप ये देखेंगे कि एक लाठी लगी होती है लंबी, जिसको हम हनुमान जी की पूंछ कहते हैं। उस पूंछ के ऊपर ही हमने गोरे लगाते हैं ना, यहाँ एक सिंबल है हमने कि हनुमान जी ने लंका में ऐसी पूंछ लंबी करके आग फैलाई और सारी लंका ध्वस्त हो गई। ये स्वरूप शरीर के ऊपर सिंदूर लगाते हैं, इसका बहुत बड़ा महत्व है। सिंदूर ऐसा है, हनुमान जी को सिंदूर जब चढ़ा था, जब राम जी वापिस आ गए थे अयोध्या, अयोध्या वापिस आए तो सीता जी अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी, मांग में सिंदूर भर रही थी, तो हनुमान जी ने पूछा माता कि आप ये मांग में क्या भर रहे हो, तो उन्होंने कहा यह सिंदूर है, इन्हें देख कर ना मेरे पति बड़े प्रसन्न, मेरे स्वामी बड़े प्रसन्न होते हैं, राम जी और उनकी आयु बढ़ती है और वे मेरे बड़े प्रसन्न होते हैं। तब हनुमान जी ने कहा अगर मेरा स्वामी इसे प्रसन्न होते हैं और उनकी आयु बढ़ती है तो आप तो चुटकी भर सिंदूर लगाती है, तो मैं क्यों ना पूरे शरीर पर सिंदूर लगा दूं। तो हनुमान जी ने पूरा सिंदूर के पूरे सिंदूर के सिंदूर अपने ऊपर लगा लिए, और ये कहा जाता है कि जो हनुमान जी को मंगलवार शनिवार या कोई भी भाव लेके हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाता है तो राम जी भी हनुमान जी इतने प्रसन्न होते हैं कि ये मेरे प्रभु के लिए मुझे सिंदूर चढ़ा रहा है, और हनुमान जी उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, और वही से प्रथा आज तक चली आ रही है कि हनुमान जी सारे आपको सिंदूर वाले नजर आते हैं। धन्यवाद। आपका दूसरा प्रश्न यह है कि दशहरे पर ये दिवाली पर फिर क्यों, क्योंकि भरत जी ने ये कहा था श्री राम जी को कि यदि आप 14 महीने का आपको वनवास मिल रहा है तो यदि आपने वापसी लौटने में एक दिन भी विलंब किया तो भरत के प्राण आपको नहीं मिलेंगे, भरत आपको जीवित नहीं मिलेगा। ऐसे दिवाली इसलिए मनाई जाती है कि भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काट के अवधपुरी को आए थे। अवधपुरी राम जी जब आए थे तो उससे पहले राम जी ने हनुमान जी को भेजा था कि आप भरत जी के पास जाओ, भरत जी के पास जाओ, उन्होंने संदेशा दो कि मैं वनवास काट के आ रहा हूँ, तो इसी कारण हनुमान जी का रूप दोबारा बनाया जाता है ये दिवाली वाले दिन, दीपावली वाले दिन, और राम जी अयोध्या वापिस आ रहे हैं तो हनुमान जी के बिना राम जी नहीं आए थे।